एक अभी छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आज एक छोटा सा सेशन करना चाहूंगी जहां पे आपको ये समझ में आएगा हाउ फैमिली कॉन्स्टेलेशन वर्क्स। कोई बताना चाहेगा कोई भी एक छोटी सी प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ की हो, मनी की हो, रिलेशनशिप की हो, कोई भी प्रॉब्लम। रूपा जी ने माइक ऑन किया अपना। जी रूपा जी बोलिए। मैम मैं अपने मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ओके वो बता सकती हूँ वो प्रॉब्लम। वेरी गुड टॉपिक। एंड व्हाट हाउ वाज योर रिलेशनशिप विद योर मदर? या विद माय मदर आल्सो इट्स नॉट। आपकी आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि किस तरह के है, वेयर यू फील प्रॉब्लम विद हर? नो एक्चुअली क्या हुआ कि व्हेन आई वाज स्मॉल आई ग्रू अप विद माय ग्रैंड पेरेंट्स, सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट वेरी क्लोज विद माय पेरेंट्स, बिकॉज वो तो बैंक में थे, दे वर गोइंग, दे वर गेटिंग ट्रांसफर्ड यू नो इन डिफरेंट सिटीज, सो आई वाज लेफ्ट टू ग्रो विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। सो आर यू मैरिड? यस आई एम मैरिड। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड? Yeah, husband, it is normal. I mean, previously it was thoda matlab a friction tha, but now it is kind of okay. Now, let me tell you what I can tell her now as therapist, okay? First of all, when you are raised by some other parent, like your mummy papa, jo aapke mummy papa hai, unke saath aap bade nahi hote hain, aap kahin aur bade hote hain, to ek na ek time par आपका और आपके हस्बैंड के बीच में एक सेपरेशन रहता है, भले ही चाहे वो अलग अलग घरों में रहने का हो या एक ही घर में रह के थोड़ा सा मन मुटाव होने का हो, ये हमेशा हर एक के साथ होता है। इफ यू आर सेपरेटेड बाय योर मदर, मतलब फ्रॉम योर मदर, और इफ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फादर, फ्रॉम योर ओन बायोलॉजिकल फैमिली, वन और दी अदर टाइम इन योर लाइफ यू हैव टू फेस द सेपरेशन विद योर हस्बैंड। यस इट हैज हैपेंड, राइट? सी दिस इज वेर यू कनेक्ट वेन यू लर्न। अभी वो जो जो बोलेंगे मैं उनको बताती जाऊंगी, जो लोग वर्किंग है जिनके बिजनेस है वो समझ सकते हैं कि जब मैंने भाई बहन की बात बोली और जो वो बिजनेस अपना देख रहे हैं उसमें क्या होता है। इफ समबडी इज चीटिंग एट योर बिजनेस प्लेस, प्लीज वर्क विद योर ब्रदर और सिस्टर हु इज चीटिंग। ओके, सो वेन वी टेक बर्थ, हाउ वी फॉर्म आवर रिलेशनशिप, हाउ वी आर रेस्ड, दिस इज all create your life, okay? So, for example, अब मैं ये जो मैं use कर रही हूँ ये puppet है, specially they made for family constellation, okay? पर आप लोग इसके बिना भी काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, वो papers के साथ भी आप कैसे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि this is quite costly, this is 600 or 700 per piece. It is, comes from Germany, some comes from US, so ये US से आए हैं, ये specially family constellation के लिए ही होते हैं। जी भावना जी। मैम ये अगर कोई बच्चा हॉस्टल में पढ़ाई के लिए जाए तो भी यही अप्लाई होता है? There is no emotional connect with mother and father. This is a new trend. Yeah? इसके लिए yes. There is a disconnection always. आप देखो आपका बच्चा जब हॉस्टल में रहता है तो आपके साथ किस तरह से कनेक्ट करता है। एटलीस्ट 17-18 साल वो आपके साथ रहा है तो स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि भाई चलो ठीक है अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी, बट द अदर हाफ इज ऑल्सो वर्क्स ना। अगर आपका बेटा नहीं रहा लेकिन आपकी डॉटर इन लॉ रही होगी तो वहां से भी क्रिएट होता है। उसके लिए हम एक मूवमेंट करते हैं फैमिली कॉन्स्टेलेशन में, दिस इज कॉल्ड अनइंटरप्टेड आउटरीच मूवमेंट। मतलब बच्चे और मदर के बीच में इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तभी होता है जब बहुत सारे, मतलब लाइक 4-5 सेशन आप अपनी मदर के साथ कर लीजिए और उसके बाद फिर आप ये करिए अनइंटरप्टेड आउटरीच मूवमेंट। वो आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगी, फिर एक दिन शायद हमारा वही होगा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अब रूपा जी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि हाउ अबाउट योर हेल्थ? My health is fine, but now I have sciatica, वो जो low back issue है ना, वो है। So अब husband wife का problem हो गया, mother के साथ वो नहीं रह पाई, तो definitely now health will also suffer. So why I'm asking these questions because I know, okay? So वैसे तो हम directly sciatica के ऊपर काम कर सकते हैं, इनके जो emotional burden जो इनकी brain पे आया है वो निकल जाएगा, ठीक है?
लेकिन आज मैं क्योंकि जस्ट वी आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी ये चीज बहुत गहरी है जो उन्होंने रूपा जी ने बोली है, आपकी इश्यूज हैं और यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ राइट, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको समझनी होंगी अपनी लाइफ में कि व्हाई इट इज हैपनिंग। सो ये डिसकनेक्शन हमारी फैमिली में आता है। अभी कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक बच्चा बड़ा हुआ ठीक है, और उसने देखा कि मेरे पापा तो जब मैं 5 साल का 6 साल का था तभी मर गए, मेरे पापा तो है ही नहीं, माय मॉम इज अलोन। तो जब आपकी फैमिली में कोई जगह खाली होती है वो जगह नेक्स्ट जनरेशन ले लेती है। जैसे अब ये बच्चा जो है खाली जगह में, मतलब ही विल बिकम द फादर राइट, क्योंकि वो जगह खाली थी। ये नॉर्मली सबकॉन्शियसली ऐसा ही होता है, इसका कोई वो नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, छोटा भाई क्यों नहीं गया, ऐसा नहीं होता। इट विल टेक दिस नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई उसकी जगह लेगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये समझने की कोशिश करना, अब इस लड़के की शादी होती है, ही इज नॉट द फादर, ही इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ द फादर राइट। यस, सो दीस जैसे ये फादर, ये मदर ओके, और ये वो बच्चा ठीक है। अब फादर तो की डेथ हो गई राइट, तो अब क्या है, ये बच्चा ढूंढ रहा है अपने फादर को, बट फादर यहाँ है ही नहीं ठीक है, फादर इज गॉन। सो ही विल टेक द प्लेस ऑफ द फादर। नाउ ही इज गेटिंग मैरिड, ये इसकी बीवी आ गई और ये इसका बच्चा ठीक है, ये बच्चा। नाउ ही इज लुकिंग बैक एंड ही इज नॉट सीइंग द फादर, बिकॉज फादर है लेकिन एनर्जेटिकली वो दादा है। सो ही इज, ही विल बी डूइंग एवरीथिंग टू टेक द अटेंशन ऑफ द फादर, क्योंकि ये तो बिजी है बीइंग दादा ना, अपने फादर के थॉट्स में है वो, एक्चुअली वो अपने फादर को नहीं देख पा रहा है, उसका ध्यान अपने बच्चे पे होगा ही नहीं। आप लोग नहीं देखते कि कुछ बच्चे टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं राइट, टाइम से पहले उनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत कुछ जानता है। इट जस्ट बिकॉज ही इज टेकिंग द प्लेस ऑफ द फादर इन द फैमिली। सम टाइम व्हेन फादर इज अलाइव बट फादर इज नथिंग, लाइक ना वो कमाता है ना वो कुछ करता है, तब भी ये चीज होती है, तो फादर पीछे चला जाता है और बेटा आगे आता है राइट, वो फादर की जगह लेता है, तो क्या होता है सीक्वेंस बिगड़ जाता है। अब क्या हुआ, ये लेडी को ये लगेगा कि यार मेरा हस्बैंड कैसा है, ही डज नॉट हैव एनी कनेक्ट विद मी, she will not find husband here, she will always complaining, पता नहीं कैसे यार बुजुर्गों जैसी मेंटेलिटी है, पता नहीं क्या कहाँ खोए रहते हो, इसको भी ये कंप्लेंट। अब ये लड़का क्या करेगा, ही विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू टेक द अटेंशन ऑफ द फादर, बिकॉज फादर तो है ही नहीं, फादर इज नॉट देयर करेक्ट। सो अब क्या है, ये तो फादर का अटेंशन लेने के लिए सब कुछ कर, अब इसकी भी शादी होती है, नाउ दिस लेडी इज नॉट फाइंडिंग द हस्बैंड, बिकॉज हस्बैंड तो अपने पापा का अटेंशन लेने में बिजी है, उसका उसका ध्यान ही नहीं है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे तो ऑलरेडी थी। सेम विद द कमिंग जनरेशन ओके, ये चलता ही रहेगा सेम अनलेस वी डू द कॉन्स्टेलेशन ओके, लेट द फादर कम, लेट द मदर से दैट ही इज योर फादर एंड यू आर माई सन ओनली ओके, आई एम योर मदर ओनली, ही इज योर फादर ओनली एंड यू आर आवर सन ओनली ओके। तब इसको झटका लगेगा, तब वो कहेगा अच्छा ऐसा है क्या, बिकॉज वंस यू आर नॉट हैविंग अ राइट कनेक्शन टू योर पेरेंट्स, योर रिलेशनशिप, योर मनी, योर हेल्थ एंड योर करियर विल नॉट बी स्टेबल ओके। सो अब इसको समझ में आए तो क्या हुआ, अब ये जो फादर की जगह पे था, अब फादर आ गया, सो हमने इसको इसकी जगह दे, अब ये वाइफ अपने हस्बैंड को देखेगी ओके, अब ये कहेगा हाँ मैं बच्चा हूँ, आप मेरे पापा हो, अब इसका ध्यान हट गया क्योंकि उसे पता है मेरे पापा मेरे पीछे हैं। सो अब ये अपनी वाइफ को देख सकता है, अब वाइफ बोलेगी थैंक गॉड नाउ यू कैन गिव मी अटेंशन ओके। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक चीज से फैमिली में, एक चीज से कितनी सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ दिस लेडी हु वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड ही एंड दिस लेडी वाज लाइक वर्ज ऑफ गिविंग डिवोर्स, कि यार ये बंदे के साथ रहने का कोई फायदा नहीं, इसको कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरे से। अब ये लेडी को देख करके अब इसको फील होगा
कि हाँ यार ये मेरी वाइफ है, मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं और मैंने कभी इसको ध्यान नहीं दिया, फिर ये अपनी वाइफ के पास जाके इज मनाउ वाइफ, ओके कि चल ठीक है अभी, तब इसकी वाइफ को झटका लगेगा यार ही हैज चेंज्ड। सो अब आपको समझ में आया कि घर में एक जगह अगर एम्प्टी हो जाती है, ये हस्बैंड नहीं होता तो ये ऐसे जाती है जनरेशन पीछे पीछे पीछे, एंड देन शी विल लेफ्ट अलोन। बट हम इसी चीज को फैमिली कॉन्स्टेलेशन में करेक्ट करके इसको इसकी वाइफ के साथ खड़ा करेंगे, इसको इसकी वाइफ के साथ खड़ा करेंगे, इसको इसकी वाइफ के साथ, इसको इसकी वाइफ के साथ। सो ये जो क्रेविंग थी, ये जो लॉन्गिंग फीलिंग थी ना, आई एम लॉन्गिंग फॉर माई फादर्स लव, आई एम लॉन्गिंग फॉर माई फादर्स यू नो अटेंशन, वो नहीं मिला जो उसको, वो खत्म होता है। गॉट माई पॉइंट एवरीबडी? सो दिस इज हाउ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है लेकिन इसको हम करेंगे प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। सो सेम वे जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अब मैं इनको हटा देती हूँ, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है। Somehow she got pregnant and इन्होंने ये अबॉर्शन करा दिया कि भाई एक लड़का लड़की अभी जरूरत नहीं है, दूसरा इट्स अबॉर्टेड, इट्स गॉन। तो पहली चीज ये ऐसे हो जाएगा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, दे वॉन्ट बी टूगेदर लाइक दिस, रिलेशनशिप फिनिश, डीएनए स्ट्रैंड गॉन, सॉरी हस्बैंड वाइफ ये है, हाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा हो जाएगा, दे वॉन्ट बी एट द सेम पेस, और बच्चे इरिटेट हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बट ये मदर जो है ना, शी विल बी वेरी हैवी, जैसे ही अबॉर्शन होगा पैसे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे तो मदर एंड मदर इन लॉ इज द चंद्र, द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी में भी, राइट, इफ समबडी नोस। एंड आपका बुध खराब हो जाता है जब आप अबॉर्शन करवा देते हो या मिसकैरेज हो जाता है, और अगर ज्यादा अबॉर्शन हो गए ना तो भगवान ही बचा सकता है आपको, क्या है।